अभी जानते होंगे कि मिस्र में इंसानी शरीर को संरक्षित करने की परंपरा शुरुआत से ही रही है। संरक्षित शरीर को ममी कहते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ उल्टा है। यहाँ शरीर नहीं बल्कि एक सिर को संरक्षित किया गया है। दरअसल पुर्तगाल यूनिवर्सिटी में एक शख्स के सिर को 1841 सेकंड संरक्षित करके रखा गया है। ये सिर डियोगो अल्वेज नाम के एक सीरियल किलर का बताया जा रहा है, जिसका जन्म 1810 में गलिसिया हुआ था। काम की तलाश में अल्वेज अपने शहर को छोड़कर लिस्बन आ गया, जहां उसने कुछ छोटे मोटे काम किए। इस बीच अल्वेज ने छोटे मोटे गुनाह करने शुरू कर दिए, जिससे उसे एक बात समझ आ गई कि पैसा कमाने का आसान रास्ता क्राइम ही है। यहीं से अल्वेज के गुनाहों का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले उसने किसानों को लूटा, वो उन्हें लूटकर पुल से झील में फेंक दिया करता था, पर अचानक 3 साल बाद उसने ऐसा करना बंद कर दिया। पुलिस ने भी इसे किसानों की आत्महत्या से जोड़कर मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच अल्वेज ने अपना एक गिरोह बना डाला और उसकी मदद से लोगों के घरों में डाका डालना शुरू कर दिया। एक डॉक्टर के घर हत्या और लूटमार के आरोप में अल्वेज को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 1841 में फांसी की सजा सुनाई। अल्वेज पहला ऐसा अपराधी नहीं था जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया हो, पर सवाल ये है कि आखिर अल्वेज के सिर को संरक्षित क्यों किया गया। जिस समय अल्वेज को फांसी पर लटकाया गया, उस समय फ्रोनोलॉजी एक पॉपुलर सब्जेक्ट के तौर पर उभर रही थी। इसमें इंसान के सिर से उसके व्यक्तित्व का अंदाजी लगाने के साथ उसके इंटरनल पार्ट्स पर स्टडी की जाती है। इस स्टडी को करने के लिए उस समय के वैज्ञानिकों ने अल्वेज के सिर को संरक्षित किया था, जो आज भी हिफाजत के साथ प्रयोगशाला में रखा हुआ है।